हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ हम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और उसके अंदर जो हमें कन्फ्यूजन रहती है कि कैसे ग्राफ बना है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ ऐसे खींचा है तो इसकी मीनिंग क्या है, या हमसे बोला इस डिस्प्लेसमेंट टाइम का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा होगा, या हमसे कहीं से वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी, इस सारी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे ग्राफ्स के थ्रू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बेटर होगा आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तरह का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो मैं एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। मान लो ये ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है। अब बच्चों, ये जो एंगल बनाता है ग्राफ विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल कहीं ना कहीं स्लोप ऑफ ग्राफ को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। बच्चों, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां देखिए, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और x एक्सिस पे टाइम, तो t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ही तो शायद वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये जो एंगल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। एंगल जितना बड़ा होगा, ये एंगल जितना बड़ा होगा, याला देखिए एंगल बड़ा हो गया, इसको थीटा वन बोल दिया, थीटा टू। एंगल जितना बड़ा होगा, स्लोप उतनी बड़ी होगी और वेलोसिटी भी उतनी बड़ी। जैसे हम बोल दें एक कार ए है, एक कार बी है, हम पूछे कौन सी कार तेज चल रही है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? स्लोप से। और स्लोप कैसे पता चलेगी? एंगल से। तो आप देख रहे हो इस वाले का एंगल ज़्यादा है, ए वाले का, तो ए वाले का एंगल ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, तो वेलोसिटी ज़्यादा। बच्चों, रियलिटी में जो स्लोप होती है ग्राफ की, वो होती है टैन ऑफ थीटा, है ना? एग्जैक्टली थीटा नहीं होती, टैन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है? इस एंगल का टैन लगा देंगे, जो भी आंसर होगा वही स्लोप होगी, और वही बच्चों किसके इक्वल हो जाएगी? वही इक्वल हो जाएगी वेलोसिटी के। निकालने का तरीका क्या होता है स्लोप को? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए, आपको इतना क्लियर हुआ, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं इतनी सी बात पे। अभी इस छोटी सी बात पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुंदर सा स्वीट सा न्यूमेरिकल। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैंने कहा ये ग्राफ ऐसा ऐसा और ऐसा बना है। यहाँ कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं रैंडमली, इसको मैंने 10 ले लिया, इसको मैंने 15 ले लिया, इसको मैंने 10 ले लिया। टाइम है, चल रहा है ना, टाइम मान लो सेकंड्स में दिया है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो मीटर्स में दिया है, एसआई यूनिट में। और यहाँ मैंने मान लो ले लिया 15, और यहाँ मैंने ले लिया 20। अब ग्राफ के तीन रीजन दिख रहे हैं, ओ ए बी सी, एक हो गया ओ ए, एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी। हमसे कहा फाइंड वेलोसिटी इन रीजन ओ ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी, इन तीनों रीजन में वेलोसिटी बताइए। तो यार, ओ ए रीजन में बड़ी आसान है वेलोसिटी निकालना। कैसे निकालोगे? ओ ए रीजन की बात करें, वेलोसिटी क्या होती है इस ग्राफ की? स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे निकालोगे वेलोसिटी? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ के वाई की वैल्यू देखो कितनी है, 10 माइनस यहाँ के y की वैल्यू 0 अपॉन यहाँ के x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस यहाँ के x की वैल्यू 0। कुछ नहीं किया यहाँ के y में से, यहाँ का y माइनस किया यहाँ के x में से, x कितना है यहाँ का 10, यहाँ का x कितना है 0, माइनस कर दिया 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ओ ए रीजन में वेलोसिटी कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड। फिर आते हैं बच्चों ए बी रीजन में, फिर मैं आ गया ए बी रीजन में। अब ए बी रीजन में क्या होगा बच्चों? ए बी रीजन देखो, स्लोप जीरो है, एंगल ही नहीं है भाई। यहाँ एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंगल कितना बन रहा? जीरो। तो क्योंकि ए बी रीजन में स्लोप कितनी है? जीरो। तो आप सिंपल बोल सकते हो वेलोसिटी कितनी आएगी? जीरो। नहीं विश्वास तो करके देख लो, वेलोसिटी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पॉइंट पे y की वैल्यू 10 माइनस इस पॉइंट पे y की वैल्यू 10, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 15, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 10, तो ऊपर आ गया 0, तो वेलोसिटी 0। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी हॉरिजॉन्टल हो, इसका मतलब एंगल कितना है? 0, और वेलोसिटी कितनी आने वाली है? 0।
फिर आता है रीजन बी सी, तो मुझे लगता है रीजन बी सी की आप वेलोसिटी खुद कैलकुलेट करेंगे, तो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करें, कर लें, चलिए आइए। तो बी सी रीजन में वेलोसिटी फिर से y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 15, माइनस यहाँ y की वैल्यू कितनी है 10, नीचे यहाँ x की वैल्यू कितनी है 20, माइनस यहाँ x की वैल्यू कितनी है 15, तो ऊपर हो गया 5, नीचे भी हो गया 5, तो आंसर आ गया फिर से 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी निकालने का तरीका। चलिए एक सवाल और आप खुद से करके दिखाइए, अब आप पॉज करके ये सवाल खुद से करेंगे, पक्का ये वादा है, ये मेरा प्यार मेरी कसम, कसम ये ना टूटे। चलिए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है 10, यहाँ पे 5, चेंज करूँगा इस बार वैल्यू, यहाँ पे कर लेता हूँ 15 और यहाँ पे कर लेता हूँ 25। अब हमसे कहा रीजन फिर से ओ ए बी सी, हमसे कहा फाइंड वेलोसिटी इन रीजन्स, इन रीजन्स ओ ए ए बी एंड बी सी। चलिए तो पहले ओ ए रीजन की बात करें, सब लोग खुद से कर लेंगे खटाक से, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू y2 - y1 / x2 - x1, यानी 10 माइनस यहाँ का y 0, यहाँ का x 5, यहाँ का y 0, तो 10/5, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आता है ए बी रीजन, ए बी रीजन, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल कितना है 0, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। कंसेप्ट भी सोचो, डिस्प्लेसमेंट ए पे कितना है 10, बी पे कितना है 10, मतलब बॉडी जहाँ थी वहीं रुकी है, वहीं से आगे नहीं बढ़ी, जब नहीं बढ़ी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप इतना समझ लो जब भी हॉरिजॉन्टल हो तो वेलोसिटी को 0 मार दें। अब आया रीजन बी सी, चलो बी सी की वेलोसिटी कौन बताएगा, बी सी की वेलोसिटी आइए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, y2 - y1 / x2 - x1। अब बच्चों ध्यान दो, ये पॉइंट 1 बनेगा और ये पॉइंट 2, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है, टाइम हमेशा आगे जाता है, तो ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ का y कितना है 0, माइनस यहाँ का y कितना है 10, अपॉन यहाँ का x कितना है 25, माइनस यहाँ का x 15, माइनस 10/10, आंसर कितना आया -1 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है, कितनी है -1 मीटर पर सेकेंड। जब भी ग्राफ ऐसा हो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो, तो वेलोसिटी नेगेटिव आती है, कैसी आती है नेगेटिव, और जब भी ऐसा हो तो वेलोसिटी कैसी आती है पॉजिटिव। अच्छा ये नेगेटिव क्यों आई भाई साहब, बी पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 और सी पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है 0, मतलब बॉडी 10 से पीछे कहाँ आ गई, अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे, तो पीछे आ रही है, इसलिए वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव। देखो जब 15 सेकेंड है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 10 है, जब 25 सेकेंड है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब 15 से 25 सेकेंड में बॉडी पीछे की तरफ आई और वेलोसिटी नेगेटिव। अदरवाइज आप ये समझो जब भी लाइन टेढ़ी ऐसे इस तरफ बनेगी ना, जब भी ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा, 90 से बड़ा एंगल होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, और जब भी ये एंगल 90 से छोटा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव। एंगल हमेशा ये वाला लेना है, इधर वाला, विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जो एंगल लेना है किससे लेना है पॉजिटिव, छोटी छोटी बातें हैं ध्यान दो, विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हमेशा कहाँ से लेना है पॉजिटिव से। ये एंगल देखो 90 से छोटा है, 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। आगे ये सब यूज होगा, अभी तो यार अपन हलवा सवाल कर रहे हैं। अगर थीटा 90 से बड़ा है, यहाँ पे देखो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप हमारी कैसी हो जाती है नेगेटिव, और इस ग्राफ की स्लोप क्या देती है वेलोसिटी, इसलिए यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ वेलोसिटी कितनी आ रही 0 आ रही, ठीक है। अब आपको इतनी बातें हल्की फुल्की समझ में आ गई हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए एक सवाल आप करिए, हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको उसका वेलोसिटी टाइम बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हमको जो दिया है वो रहा ए ऐसा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन टू अस, ठीक है। वैल्यूज दे देता हूँ, चलिए यहाँ पे वैल्यू है मान लीजिए 10 और यहाँ पे टाइम की वैल्यू है मान लीजिए 5 सेकेंड। हमसे कहा करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताइए, वेलोसिटी टाइम, आपने वेलोसिटी टाइम नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लॉजिक लगाना है, आंसर बताना है, आपको बताना है कि इस ग्राफ के करेस्पॉन्डिंग कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ सही है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 और ये दिया है 5, और ठीक है, तो हमने कुछ ग्राफ आपको हम बना के दे रहे हैं, एक ये दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू है 2,
एक ग्राफ ये बना के हम आपको दे रहे हैं, ए यहाँ पे वैल्यू हो गई 2। एक ग्राफ आपको हम ये बना के दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हो गई 2। एक ग्राफ आपको हम ये बना के दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू है 2। अच्छा, ये तो -2 और -2। अब आपको बताना है इन चार में से कौन सा ग्राफ इस ग्राफ को मैच कर रहा। तो यार पहले तो तुम लॉजिक लगाओ। मैंने बोला इसकी स्लोप देखो कैसी दिख रही है, इसकी स्लोप बच्चों कैसी दिख रही है, नेगेटिव, क्योंकि लाइन ऐसी है, एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से, स्लोप कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप मतलब जो भी वेलोसिटी का आंसर है वो नेगेटिव होगा। तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये और ये ऑप्शन हो सकता है। अब बात आई वेलोसिटी निकाल के देखते हैं बच्चों। यहाँ से यहाँ देखो कि एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, ध्यान दो, एंगल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, थीटा इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एंगल चेंज ही नहीं हुआ, मतलब वेलोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, स्लोप विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये वाली वेलोसिटी देखो नीचे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पे 0 है, यहाँ आके कितनी हो गई -2। ये देखो लगातार क्या है, -2 -2 -2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए ऑप्शन डी इज करेक्ट अपन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। और निकाल के देखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, y2 - y1 / x2 - x1। पेन कॉपी उठा लो, मजा आने वाला है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0। तो -10/5, तो आंसर कितना है -2 m/s। तो वेलोसिटी की वैल्यू है -2 m/s। तो पहली बात तो नेगेटिव, तो ये और दूसरी चीज़ क्योंकि स्लोप कहीं चेंज ही नहीं हुई, एंगल कहीं चेंज ही नहीं हुआ, तो वेलोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब आपको इतना थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई। अब बच्चों मैं आपको यहीं पे दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझाता हूँ कि यह ग्राफ हमें क्या बताता है। यह ग्राफ हमें क्या बता रहा है, आइए इसके बारे में बात करें बच्चों। पहले तो बात करते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है, धीमे धीमे एनालाइज करते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ तो आप देख रहे हो एंगल 90 से छोटा, और यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ तो भी एंगल 90 से तो छोटा ही है भाई, कभी ये 90 से बड़ा तो हो ही नहीं रहा। आप यहाँ पे बना लो तो भी 90 से तो छोटा ही है अभी भी। तो पहली बात तो ये है कि थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। जब भी लाइन इस तरह की बने ना, ऐसी, ये वाली लाइन हमेशा स्लोप को क्या बोलती है, पॉजिटिव। और लाइन अगर इस तरह से बनने लगे तो आप समझ जाओ स्लोप कैसी आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया यहाँ पे स्लोप और वेलोसिटी पॉजिटिव। अब बात आई कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है या चेंज हो रही है। तो यार आपको भी दिख रहा है कि लगातार एंगल चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि सेम है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो इस जगह पर ये एंगल है, और यहाँ पे देखो ये एंगल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है ना। एज टाइम इज इंक्रीजिंग थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे देखो एंगल छोटा है, यहाँ पे एंगल बढ़ा, यहाँ पे एंगल और बढ़ा। समय के साथ साथ ये देखो छोटा सा एंगल, समय के साथ साथ एंगल बड़ा होता जा रहा, यानी एंगल बड़ा हो रहा मतलब स्लोप बड़ी हो रही, स्लोप बड़ी हो रही मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चों। वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है भाई, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तभी तो वेलोसिटी बढ़ रही है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है तो मतलब फोर्स आई है, और क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही, मतलब ये एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव, तभी स्पीड बढ़ेगी, तभी वेलोसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा? मैंने क्यों बोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कोई एक रीज़न बताओ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन, तभी तो बढ़ेगी। तो आप ये समझ लो ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी के इंक्रीज करने का ग्राफ है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और तीसरी चीज़ एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इन्हीं बातों को लेकर एक इसके सिमिलर ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे वही बातें लिख लूँ। और क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। क्यों बोला एक्सेलरेशन पॉजिटिव, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी
इंक्रीज कर रही है। चलिए एक सिमिलर ग्राफ लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्षमा चाहूँगा मैं आपको सुप्रभात कहना भूल गया। आज कमरे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और गर्मी हमारे सर पे भी चढ़ रही है। इस गर्मी को हटाने के लिए हम शिमला जाएंगे और ये ग्राफ बनाएंगे। आइए, अब ये ग्राफ आया। मुझे ये बताओ, इस बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? छोटा सा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, पूछा बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे एक पॉइंट बनाना और ये लाइन खींच देना टेंजेंट वाली। अब आप एंगल देख लो, 90 से छोटा आ रहा है। यार एंगल अगर 90 से छोटा आ रहा है मेरे भाई, तो वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर लाइन ये वाली ना स्लोप वाली लाइन अगर ऐसे खींच रही है, किस तरह से कचक कुचुक कचक इस तरह की लाइन खींच रही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव। और ऐसे खींच जाए तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो पहली बात तो वेलोसिटी पॉजिटिव। अब भाई साहब मेरा आपसे सवाल है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? आओ देखते हैं, बढ़ रही घट रही, टाइम के साथ देखना पड़ेगा। समय के साथ क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। एक यहाँ पे बना लो लाइन, एक भैया यहाँ पे बना लो लाइन। देखो टाइम ऐसे बढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग वाले टाइम पे ये स्लोप है और बाद वाले टाइम पे ये स्लोप है। आप देखो एंगल छोटा हुआ है इस बार, क्या आपको फील हो रहा है? नहीं, और फील चाहिए? चलिए आपको और फील कराते हैं भाई, अब फील हो जाएगा। यहाँ पे देखो एंगल बड़ा दिख रहा है, और यहाँ से मैं एंगल लूँ तो ये एंगल देखो छोटा हो गया, दब गया। अरे अब तो दिख रहा होगा ये एंगल कैसा है, बड़ा। और यहाँ आते आते एंगल दब गया है, मतलब थीटा इज डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एंड इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स ये रिटार्डेशन है। भाई बॉडी की वेलोसिटी घट रही है, मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कैसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन? क्योंकि स्लोप देखो, यहाँ पे टाइम अभी कम है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा है। समय के साथ, यहाँ पे आ जाओ, समय के साथ एंगल छोटा होता जा रहा, एंगल छोटा हो रहा मतलब वेलोसिटी कम हो रही, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। अब चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव था। तो यार ये तो सर आपने बताया तो मजा तो आया, पर थोड़ा तो शॉर्टकट चाहिए ना अपन को, तो शॉर्टकट ले भाई, अब तू शॉर्टकट भी ले ले, कोई मना ही नहीं। चलो अब मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ा हैक देता हूँ। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान से देखो। अगर ये कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव होता है ना, अगर ये अपवर्ड है, ये जो बाउल है ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ख़त्म। अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव है ना ये, है ना, मतलब ये जो बाउल है, टोकरा है, ये उल्टा रखा है, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। टोकरा ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, टोकरा नीचे एक्सेलरेशन नेगेटिव, खेल खत्म। भाई साहब खेल खत्म हो गया, टोकरा ऊपर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, टोकरा नीचे एक्सेलरेशन नेगेटिव। एक लास्ट लॉजिक ले लो, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन है, तो स्पीड बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ऑपोजिट साइन है तो स्पीड घटेगी, ठीक है। अगर v भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ रही, v भी नेगेटिव a भी नेगेटिव तो भी स्पीड बढ़ रही। भाई v भी पीछे की तरफ है, a भी पीछे की तरफ है, तो स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी बॉडी पीछे जा रही है, फोर्स भी पीछे लग रही है, तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी। यानी दोनों का सेम साइन है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, अपोजिट साइन है तो स्पीड डिक्रीज। वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड डिक्रीज, वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो भी स्पीड डिक्रीज। अब ये शॉर्टकट लेके, ये हैक लेके, ये बात लेके आप मेरे को एक बहुत ही बढ़िया सा ग्राफ एनालाइज करके बताओगे, और ये याद रखोगे कॉनकेव अपवर्ड तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉनकेव डाउनवर्ड तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। चल भाई अब ये प्यारा सा सवाल तू मुझको बता, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और मैं इस ग्राफ को इस बार ये यूं बना रहा हूँ। चलो अब तुम मुझे बताओ कि इस बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, तीनों के बारे में मुझे कहानियाँ बताओ। चलिए भाई साहब, सबसे पहले आप देखो इसका कॉनकेव अपवर्ड है, दिख रहा है, जो इसका टोकरा है वो ऊपर है, क्योंकि बिकॉज कॉनकेव इज अपवर्ड, हेंस वी कैन से द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। द एक्सेलरेशन को मैंने सबसे पहले पॉजिटिव बोला,
अब बात आई वेलोसिटी की, तो यार वेलोसिटी में करना है तुमको यहाँ पे चुकू चुकू खींचना है। अब ये एंगल देख लो चुकू, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट है, मतलब स्पीड क्या कर रही है बॉडी की, डिक्रीज कर रही है। अब तुमको चेक ही नहीं करना एंगल बढ़ रहा है घट रहा है, शॉर्टकट मारा काम खत्म। समझ में आया, समझ में आया? अच्छा चलो एक और ग्राफ एनालाइज कर दो मेरे लिए प्यारे बच्चों। अब हलवा हलवा ग्राफ थोड़ी ना कराऊंगा मैं, सीधी लाइन बना दूं, ये सब कर्व करो, कर्व में ही तो मजा है। ए चल तू भाई भाई, चलो भाई 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 भाई, कौन सा करोगे, ये करो, ये करो। चलो अब आपको इसके बारे में बताना है, तो प्रथम सवाल ये आएगा कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, सबसे पहले ये देख लो। अब क्योंकि कॉनकेव डाउनवर्ड है, सिंस द कॉनकेव इज डाउनवर्ड हेंस वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। अब वेलोसिटी की बात करो, यहाँ पे एक कुचुक कुचुक, अब ये एंगल कैसा है, 90 से बड़ा है, सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, हेंस वेलोसिटी इज नेगेटिव, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव। अब स्पीड बताओ, अब देखो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। वेलोसिटी की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो लगातार इंक्रीज करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद आप एक सवाल करोगे पॉज करके, एक बढ़िया आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। तो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, आपको करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे को बना के दिखाना है। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन टू यू इज लाइक 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 ये, और आपको इसका मुझे, हाँ ठीक है ये, और आपको इसका मुझे वेलोसिटी टाइम बनाना है। आप जल्दी जल्दी इसमें कंक्लूड करते जाओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप चीज़ें सोचते जाओ, निकालते जाओ, देखते हैं आपका ऑप्शन मैच करता है कि नहीं। ठीक है, शॉर्टकट लगाएंगे, ये नहीं कि बना बना के एंगल बार बार चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ने कहा ऑप्शन सी से कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, अब आपको इसमें सही ऑप्शन मार्क करना है, तो मैं कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, तो पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन हमारा ये रहा, तीसरा ऑप्शन हमारा ये रहा, चौथा ऑप्शन हमारा ये रहा। अब इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है, सोचें। आइए चलिए देखते हैं, सबसे पहले कॉनकेव किधर है, अपवर्ड, सिंस कॉनकेव इज अपवर्ड हंस वी कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यस और नो। अब वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे ऐसे कुचुक करके बना लो, अब इस एंगल को देख लो, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, हेंस स्लोप इज पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूँ ना यार, लाइन जब भी ऐसे खींचेगी स्लोप पॉजिटिव, ऐसे खींचेगी स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब स्पीड कर रही है इंक्रीज, स्पीड कर रही है इंक्रीज, तो ये ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ये वाला ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन सही है। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और इस वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ भी रही है, और वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है बढ़िया से? अच्छा, एक ऑप्शन चेंज कर दिया, वही था, कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा कुछ सिंपल कर देता हूँ, है ना, एक दो सिंपल भी कर लो, पता चला आप बढ़िया बढ़िया सवाल करके गए, लास्ट में नहीं कर पाए। चलो अच्छा, पहले एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूँ। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, अब मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना है, कर्व में तो समझ में आ रहा था, अब मैंने इसमें पूछा एक्सेलरेशन, यार लॉजिक लगाओ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, थीटा इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स स्लोप इज कॉन्स्टेंट, स्लोप कैसी है भाई साहब, कॉन्स्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी भाई साहब, कॉन्स्टेंट रहेगी, जब बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है भाई साहब, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, खत्म बात। यार जैसे मान लो मैं ये ग्राफ दे दूँ कचक, डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब यार इसमें जो भी एंगल है, जो भी थीटा है, जो भी थीटा है, वो चेंज नहीं हो रहा, थीटा नहीं चेंज हो रहा, मतलब स्लोप नहीं चेंज हो रही, मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब तक कर्व ना हो तब तक एक्सेलरेशन की बात तो करनी ही नहीं है, जब कर्व होगा तब वेलोसिटी या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, और तभी क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा, बढ़िया लग रहा,
ठंडा लग रहा। चलो मैं तुमको अगला सवाल देता हूँ। ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक कुछ ऐसा। अब इसका करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको स्केच करना है। चलिए अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पॉज करके खुद से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको बस एक लॉजिक बता दूं, इस जगह पर आप ध्यान से देखो स्लोप जीरो है, बस इतना मैं बताना चाहूंगा। इस जगह पर स्लोप कितनी है? जीरो, क्योंकि एंगल कितना बन रहा? जीरो। स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, मतलब बीच में वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ पे देखो वेलोसिटी कितनी है? जीरो। यहाँ बीच में पता नहीं, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। चलो ट्राई करो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पॉज करके ट्राई करने को कर लिया। चलो अब जरा इस ग्राफ को आधे में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ ग्राफ एनालाइज करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ। पूरे ग्राफ में देखो कॉनकेव डाउनवर्ड है, पूरे ग्राफ में कॉनकेव कैसा है? डाउनवर्ड। तो कॉनकेव डाउनवर्ड से एक बात तो श्योर हो गई कि एस्केलरेशन नेगेटिव है, एस्केलरेशन नेगेटिव है। अब इस पार्ट में देखो एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली, स्लोप कैसी है? पॉजिटिव। थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। एस्केलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब स्पीड डिक्रीज कर रही। अब इस पार्ट में आओ, यहाँ पे आप एक डॉट लेके लाइन खींच लो। अब देखो ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा, या लाइन ऐसे खींच रही है। जब भी लाइन ऐसे खींचेगी स्लोप नेगेटिव, तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। एस्केलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नहीं इंक्रीजिंग होगा ना, स्पीड इज इंक्रीजिंग, दोनों का साइन सेम है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, गर्मी का असर। ठीक है, तो शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव है, और एस्केलरेशन लगातार नेगेटिव है। शुरू में बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे देखो वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो नहीं हो सकता। इसमें पूरे टाइम बॉडी की वेलोसिटी किस तरफ है? पॉजिटिव में, नहीं हो सकता। इसमें शुरू में बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है और बाद में बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है। इसमें शुरू में नेगेटिव है और बाद में कहाँ चली गई वेलोसिटी? पॉजिटिव। तो यही ऑप्शन है जो सही हो सकता है। चेक कर लो, बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव से कम होते होते कितनी हुई? जीरो हुई। उसके बाद बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो स्पीड बढ़ रही, घट नहीं रही है। यहाँ पे स्पीड कितनी है? जीरो। यहाँ पे मान लो -1, यहाँ मान लो -2, यहाँ मान लो -3। तो इस तरह से आप ग्राफ्स को एनालाइज कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो बातें मैं आपको बता सकता था, मैंने आपको बताई, समझाई, सिखाई। ठीक है, एक और छोटी सी बात समझ लो। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तुमको ऐसा दे दिया, अरे रे रे रे, और पूछा ये बताओ वेलोसिटी कितनी बार जीरो हुई है, वेलोसिटी कितनी बार जीरो। तो जहाँ जहाँ पे तुमको ये चीज़ दिखे ऐसा, है ना, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन सके, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन सके, यहाँ यहाँ पे बच्चों स्लोप जीरो है, इस जगह पे वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो कितनी बार वेलोसिटी जीरो हुई? तीन बार जीरो हुई। एक सवाल और एनसीईआरटी में भी पड़ा रहता है कि इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो जैसे हमको एक ऑप्शन ये बहुत मिलता है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी गोल गोल घूम रही, इसका मतलब ये तो ग्राफ है यार, है ना, ये तो बता रहा है कि जब टाइम इतना है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना, जब टाइम इतना तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना। प्रॉब्लम क्या है? देखो इस टाइम पे देखो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये है या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ये है, सेम टाइम पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट या तो ये है या तो ये है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं। एक ही समय पे एक व्यक्ति दो जगह पे कैसे प्रकट हो सकता है, है ना? तो स्पेस टाइम के सारे लॉस को ये वायलेट करता है। एट वन टाइम यू कैन बी प्रेजेंट ओनली एट वन प्लेस, है ना, या तो तुम एक बार में विजेता बनोगे या तो हार जाओगे, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। तो ऐसे ग्राफ बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एट अ गिवन टाइम यू कैन बी ओनली एट वन प्लेस, नॉट एट टू प्लेस। इस समय पे देखो आप यहाँ पे भी हो, आप यहाँ पर, आपका डिस्प्लेसमेंट ये भी है, आपका डिस्प्लेसमेंट ये भी है, तो ऐसी चीज़ होना पॉसिबल नहीं। तो बच्चों ये सारी बातें थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ठीक है, टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होता मेरे भाई, फिर भी ये बेसिक्स था और मैंने कर्व वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि कर्व वाली चीज़ें आपको कन्फ्यूज करती हैं। चलो एक और करी लेते हैं, जब अपन यहाँ तक आ गए हैं। अब आप मेरे को करेस्पॉन्डिंग ग्राफ बना के दिखाना। मान लो ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, धीमे धीमे एनालाइज करके सोचो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आप ये देख रहे हो एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन, सॉरी एंगल इज कॉन्स्टेंट, तेज तो नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, खींच के आगे देख लो यार एंगल कैसा आ रहा, 90 से बड़ा कि छोटा, 90 से बड़ा कि छोटा, छोटा आ रहा, छोटा आ रहा भाई, ये एंगल देखो लाइन ऐसे है। मैंने बोला जब भी लाइन ऐसे हो वेलोसिटी या स्लोप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट मतलब चेंज ना होने वाली पॉजिटिव वेलोसिटी, ऐसा जो भी ग्राफ होगा वो सही होगा। अब जो भी ग्राफ वहाँ पे ऐसे बनाए हों आपको कन्फ्यूज करने के लिए इस टाइप के, है ना, या आपको ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया इस टाइप का, ये सारे ग्राफ गलत होंगे।
क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, एंगल क्या है, सेम, तो कांस्टेंट, और कैसी है, पॉजिटिव। तो यार इस तरह से आप धीमे धीमे एनालाइज कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। अब बच्चों हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वी ची ग्राफ, विची ग्राफ, सो विची ग्राफ। अब आपको स्लोपों का कंसेप्ट तो आ ही गया है, तो आप ये चीज बहुत आसानी समझोगे, बड़ी जल्दी समझोगे। मैं वीटी ग्राफ को पहले एक सिंपल सी एक लाइन बना लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ ये चीज़ क्या है, आप बोलोगे थीटा, सर ये है स्लोप, मैंने बोला ठीक है, आपने बोला ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलोगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, मतलब वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से मिली थी हमको वेलोसिटी। ठीक है, इसकी स्लोप से क्या मिल रहा, एक्सेलरेशन मिल रहा। ठीक है ना, यहां पे देखो स्लोप चेंज नहीं हो रही, थीटा इज नॉट चेंजिंग। अब यहां पे स्लोप चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। यहां पे स्लोप कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब बातें वही एनालाइज कर ली अंदर, एक्सेलरेशन कैसा होगा, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। चलो पहले एक दो सवाल कर लेते हैं इस पे भी, ठीक है, हलवा हलवा वाले हलवे हलवे प्यारे सवाल। वी छी ग्राफ, अच्छा एक बात और बता देता हूँ करने से पहले, ताकि आप दोनों चीजें एक साथ करो। ये पिज्जा हम सब खाएंगे जलेपीनो डालकर, सॉस लगा के नहीं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा हूं मैं बच्चों, ये जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर वी टी कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो या मोशन इन वन डायमेंशन का थर्ड सेकेंड वीडियो नहीं देखा तो देखें, वहां ये बातें मैं बार बार बता रहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया विद द टाइम एक्सिस, विद द टाइम, ये वाला एरिया मत ले लेना, ये वाला एरिया विद द टाइम एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो इंफॉर्मेशन लेके आता है, सर्वप्रथम वो बताता है कि बॉडी की जो स्लोप है, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को डिनोट कर रही है, और दूसरा वो बताता है इस ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना है, एरिया। आइए एक सवाल आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज निकाल सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और एक डिस्प्लेसमेंट। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ ऐसे खींचा है, कुछ ऐसे खींचा है, और मैं बोलता हूँ इस ग्राफ का आप मुझे एक्सेलरेशन निकाल के बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के बताओ। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं कुछ वैल्यूज दे दूँ, यहाँ पे दे दी 10, यहाँ पे दे दी 5, यहाँ पे दे दी मैंने 10। रीजन हो गया OA और AB। तो OA रीजन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप क्या होगा, वाई टू यानी 10 माइनस वाई वन यानी 0 अपॉन एक्स टू यानी 5, एक्स वन यानी 0, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में। फिर AB रीजन में आ जाओ बच्चों, अब A रीजन में आप देख रहे हो स्लोप 0 है क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, पहले भी वेलोसिटी 10 थी, बाद में भी वेलोसिटी 10 है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, सो एक्सेलरेशन इज 0। अब आते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट ओ ए रीजन में। बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए निकालना है एरिया। अब ओ ए देखो एक ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 25 मीटर्स। फिर ए बी रीजन में आ जाओ, फिर क्या निकालना है, एरिया निकालना पड़ेगा। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एरिया निकालो। अब ये देखो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे देखो लेंथ कितनी हो गई 5 और ये कितना हो गया 10, तो 5 × 10 कितना हो गया 50 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना है 50। ठीक है, समझ में आ रहा, दो चीज़ें निकलती हैं, एक्सेलरेशन निकलता है और डिस्प्लेसमेंट निकलता है। एक्सेलरेशन निकलता है स्लोप से, डिस्प्लेसमेंट निकलता है एरिया से। बहुत बढ़िया। अब जैसे हमें फिर से बोला कि ग्राफ स्केच करो, यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ, चलिए आइए मान ली हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिया ये,
और बोला इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप स्केच करके दिखाओ। सोचना आप, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्केच करना है, दिमाग लगाना, आओ डिस्प्लेसमेंट टाइम। आइए सोचते हैं, शुरुआत में आप देख रहे हो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज और पॉजिटिव भी है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनाना है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज करे और वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज कर रही, एस्केलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव, तभी तो इंक्रीज करेगी, दोनों का साइन सेम है। एस्केलरेशन पॉजिटिव मतलब कॉनकेव कैसा होना चाहिए? अपवर्ड, बस कुछ सोचना नहीं, कॉनकेव अपवर्ड। और वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। लाइन खींच के देखो कैसी आ रही, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे देखो इस रीजन में वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और कैसी है? पॉजिटिव। अब आगे रीजन में आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है और वेलोसिटी को पॉजिटिव रखना है, मतलब एस्केलेरेशन कितना है? जीरो। कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, ये रहा कांस्टेंट पॉजिटिव। भाई इसकी स्लोप तो होनी चाहिए ना, तभी तो वेलोसिटी आएगी, और स्लोप कैसी हो? कांस्टेंट हो, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, धीमे धीमे लॉजिक लगाते हुए आपको आएगा, ये लॉजिक्स लगानी है। चलो एक और ले लेता हूँ ऐसे कुछ, सोचते जाना है, लॉजिक लगाना है और जवाब पाना है। मान लो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बना दूं बच्चों, और आपसे बोलूं करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली कैसा होगा, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, चार ऑप्शन में से पहचान सकते हो कौन सा सही है। ठीक है, अभी अपन अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं, श्योर शॉट नहीं कि यही हो सकता है, इस जैसे कई आंसर हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। दूसरी चीज, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, दिख रहा है वेलोसिटी की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ 10 थी, यहाँ आके 5 हो गई, यहाँ आके 0 हो गई, तो वेलोसिटी होनी है पॉजिटिव और वेलोसिटी होनी है डिक्रीजिंग। अब बताओ एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कॉनकेव कैसा होगा? डाउनवर्ड। कैसा होगा? डाउनवर्ड। ये देखो वेलोसिटी कैसी आ रही, पॉजिटिव। कॉनकेव कैसा है? डाउनवर्ड। वेलोसिटी कैसी आई इसकी? पॉजिटिव। कॉनकेव डाउनवर्ड, एस्केलेरेशन नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग। तो ये इसका करेस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से बच्चों आपको ग्राफ में स्विच करने रहना होगा, इस तरह से ग्राफ में स्विच करते रहना होगा। अब बच्चों ये जो एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलता है, इस पर एक सवाल ये भी बनता है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहाँ वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10, और यहाँ भी वैल्यू ले लूँगा मैं 10, 10 क्यों फेवरेट है, ऐसे ही ले रहा है, और यहाँ 5। हमसे कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एक एरिया तो ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। अब जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, उसको लेते हैं पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव। बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव मतलब बॉडी पीछे जा रही, पॉजिटिव मतलब आगे जा रही, मतलब थोड़ी दूर आगे गई फिर पीछे आई। तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, एरिया भी ऐसे ही। तो ऊपर वाला एरिया 1/2 × 5 × 10 प्लस में, माइनस नीचे वाला एरिया 1/2 × ये भी कितना है? इसको मैं 10 लिख दूँ, ये भी कितना हुआ? 5 × 10। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव और नीचे वाली को नेगेटिव लेना है। फिर हमसे पूछता है डिस्टेंस निकालिए, फिर हमसे कहता है भाई साहब क्या निकालिए? डिस्टेंस निकालिए। अब बच्चों डिस्टेंस क्या होता है? बॉडी आगे जाए पीछे जाए सबको ऐड करो, है ना, मतलब आगे गए और पीछे आए, तो हमने जितना आगे गए पीछे आए डिस्प्लेसमेंट तो 0, पर डिस्टेंस तो ये भी काउंट होगा, ये भी, मतलब डिस्टेंस में आप दोनों एरिया को क्या करोगे? ऐड करोगे, ये भी प्लस ये भी प्लस। समझो बात को, डिस्प्लेसमेंट केस में जितने एरिया ऊपर हैं वो पॉजिटिव, जितने नीचे वो नेगेटिव, पर डिस्टेंस में सारे के सारे एरिया ऐड हो जाएंगे। तो अपन बोलेंगे 1/2 × 5 × 10 प्लस 1/2 × 5 × 10 एंड वॉट एवर इज द आंसर दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो भाई, तो ये कुछ कन्वर्जन वर्जन की भी बात हो गई, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक ग्राफ और कर लेते हैं, फिर चलते हैं एस्केलेरेशन टाइम पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं आपको ये ग्राफ दे दूं, ए ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू ले लो +2
यहाँ वैल्यू ले लो माइनस टू और यहाँ तो ज़ीरो दिख रही है। टाइम ले लो यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे ले लो 10 सेकेंड। अब आपसे कहा कि करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ बनाइए विथ वैल्यूज। आइए, शुरुआत के 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है मुझे बताओ। आइए निकालते हैं, 0 से लेके 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। रेक्टेंगल है, 5 × 2 कितना हो गया? 10। कैसा? +10। ठीक है, ठीक है। आइए ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं साथ में। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट कितना है? +10 है। अच्छा, मतलब 10 तक जाना है कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। अब बात ऐसी है कि ग्राफ कैसा बनाऊँ, ऐसा बनाऊँ, ऐसा बनाऊँ, सोचना पड़ेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी आती है। मतलब ऐसा ग्राफ बनाओ जिसकी स्लोप कांस्टेंट हो। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 10, अब इसकी स्लोप देखो कांस्टेंट, और यहाँ से वेलोसिटी निकालो जरा, 10/5 कितनी आ रही? 2। सही है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 है मतलब बॉडी जहाँ थी वहीं रुकी रहेगी, तो 5 से 10 में बॉडी मूव नहीं की, तो 5 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 10 था, 10 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 10, जहाँ थी वहीं रुकी है। 5 था, 5 सेकंड पे 10, 6 सेकंड पे भी 10 पे रुकी हुई है, फिर यहाँ आए। अब वेलोसिटी कितनी है? -2। आइए डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, इन 10 to 2 इसको ले लेते हैं अपन 15। 10 to 15 में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया। एरिया कितना हुआ? 5 × 2 10। क्योंकि एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है तो कैसा होगा? -10। कैसा होगा? -10 होगा, -10 होगा। मतलब इस बार डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, -10 मीटर। ठीक है, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वापस आ रहा है। भाई ये डिस्प्लेसमेंट कैसा लेंगे? -10 लेंगे। बॉडी नीचे आ गई, -10, 10 पे रुकी हुई थी, अब कहाँ आ गई? -10 पे। कितना टाइम हुआ? 15 सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी कैसी है बच्चों यहाँ पे? नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब ग्राफ ऐसा। यहाँ से यहाँ में बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 - 10 मिला कितना? 0। देखो बॉडी 0 पे थी और फाइनली भी कहाँ आ गई? 0 पे। ये ऐसे क्यों बनाया मैंने? जरा यहाँ से वेलोसिटी देखो कैसी दिख रही है, वेलोसिटी कैसी दिख रही? नेगेटिव। और यहाँ वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, y2 0, -10, 15, -10। देखो यहाँ से यहाँ वेलोसिटी निकालो, 0, -10, 15, -10, -10/5 मतलब -2। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? यहाँ +10, -10, 0। तो देखो ओवरऑल जहाँ से चली थी वहीं लौट आई। तो इस तरह से आपको ग्राफ को एनालाइज करना है, सोचना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। लास्ट है बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसमें बहुत ज़्यादा कहने सुनने को नहीं बचा क्योंकि हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। फिर भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कुछ बातें आपको बतानी ही पड़ेगी। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पहली बात करते हैं इसकी स्लोप की। बच्चों इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप होगी चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और इस टर्म को फिजिक्स में हम बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जर्क। इसकी यूनिट होती है m/s³। अभी तक ये किसी कंपटीशन में आया नहीं है, पर कभी भी आ सकता है। जब आएगा तो वो बताएगा कि जर्क क्या होता है, तब सवाल पूछेगा, पर क्योंकि नया टर्म है तो डर जाओगे। इतना समझ लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उसको जर्क बोलते हैं। कैसे निकलता है? चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। दूसरी चीज बच्चों, इस ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ एटी कर्व। बच्चों ये एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है एरिया? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है एरिया? चेंज इन वेलोसिटी। बस इतनी ही बात है एक्सेलरेशन टाइम में। जर्क कभी पूछता नहीं, जो पूछेगा वो चेंज इन वेलोसिटी पूछेगा। जैसे मान लो मैं आपको एटी ग्राफ दे दूं, ठीक है, ऐसा। यहाँ टाइम ले लो 11, यहाँ इसको ले लो 10, ठीक है। एक्सेलरेशन m/s² में, टाइम सेकेंड में। हमसे कहा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, कुछ नहीं करना, क्या निकालना है? एरिया, 1/2 × base × height, कितना आ गया? 55 m/s इज द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ से यही सवाल आता है, बाकी कन्वर्जन वाले सवाल आते हैं कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही बेसिक था, ठीक है, अभी एडवांस वीडियोज़ भी इसके बनाने हैं, है ना।
अभी बेसिक समझाने में इतने टाइम लग रहा है, तो एंजॉय करिए, आगे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।